बड़ी ना है? नहीं नहीं आप लोग जब सर्विस करते हैं तो कुछ नई नई बातें भी तो सामने आती हैं, है? सब बातों का सही सही समाधान हो पाता है? कोई कोई सुनाने के बाद फिर उनकी पीठ करना जरूरी होता है, अगर ऐसे छोड़ दें चंदी में आ जाते हैं तो बाबा एक बार वो
वहाँ सेंटर पर जाता तो दोबारा वो आते ही नहीं। अरे इतना पाबंदियों को जबरदस्त संग्रहण बना दिया है, निकालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। यहाँ एक होता है अमृत और ये होता है विष, एक होता है बेचैना इंजेक्शन और एक होता है अमृत का इंजेक्शन। लेकिन बाबा अमृत पीने के लिए तैयार नहीं है ना लोग, उनको अमृत पिलाने बैठो तो वहाँ पे बहन जी ने बोलना था मैंने कुछ नहीं सुनना, शंकर पाठी आती भगा देना उनको, बिल्कुल जैसे बोलने बैठो तुरंत भग लेते हैं, सुनने को तैयार नहीं। किसी के ऊपर हाथ रखो तो फिर पूरा ही उसको समझाओ, जब तक छोड़ना नहीं चाहिए जब तक वो बच्चे का दिन आए। इसका नाम जबलपुर है ना, जबलपुर नहीं वास्तव में जबलपुर होना चाहिए। हम देखते हैं जितने वो भाई लोग हम लोग कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, अभी बात चले गए ऊपर चले गए वहाँ से लौट आओ, कहाँ चली गई लौट के आ जाओ। लौट के कहाँ आ जाए, जब आगे कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटता है क्या? पछताऊंगी, बहुत पछताऊंगी, यहाँ की रहूंगी ना वहाँ की रहूंगी, उल्टा ना हो जाए। बहुत पुरानी लोग आना चाहते हैं लेकिन उनके बंधन कहाँ नहीं आते, हाँ चाहते हैं लोग उनके बंधन कहाँ नहीं आ पाते, भक्ति मार्ग में गुरुओं के बंधन कम होते हैं क्या? जो साईं बाबा के भगत हैं, जो और बाबाओं के भगत हैं, वो जल्दी छूटते हैं नहीं छूटते? बोला है जो हमारे घर का होगा वो थोड़ा सुनेगा और फट से आकर्षित हो जाएगा। क्या हो क्या होगा त्रिमूर्ति का लक्ष्मी नारायण का जन्म क्या सीढ़ी को जीते वालों को सीढ़ी को ले जाके देंगे, नहीं देना सीढ़ी का देने से और वो उल्टे घूम सकते। अष्ट रतन जो होते हैं उनमें जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूबल है उसका नाम है हीरा, और बाद वाले जो रतन हैं वो कम वैल्यू के हैं एक दूसरे के मुकाबले या बराबर वैल्यू के हैं। हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, ये सब पुखराज वगैरह ये सब एक दूसरे से कम वैल्यू के हैं कि बराबर बराबर वैल्यू के होते हैं, सब कम वैल्यू होती है। और जो अष्टदेव हैं वो सब पूरी बनती है क्या, सब हीरो पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी माने हीरा सर्वत्रों में और अष्टदेवों में तो बहुत अंतर है, वो सिर्फ सूर्यवंश में से ही निकलते हैं। और रतन रतन जो है वो अलग अलग धर्मों के मुखिया है। राजा के पास है,
हमारी काम करने पहले सफाई करने वाली आती है घर में या पहले लक्ष्मी आती है? भक्ति मार्ग में क्या दिखाती है? पहले सफाई करने वाली है, सफाई करने वाली सफाई घर की सफाई कर दे, झाड़ू का काम पूरा हो जाए, फिर उसके बाद चौली बनाई जाए, लक्ष्मी आए। लक्ष्मी के पार्ट को जगदम्बा के पार्ट को एक साथ कैसे मिला देंगे? जगदम्बा नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य है या नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है? लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है, नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य तो वही भी है, क्योंकि जगदम्बा तो महाकाली बनती है, लक्ष्मी महाकाली बनती है क्या? नहीं, तो महागौरी है। युवा मौत मनु का शिकार, मनु का कहते हैं शिकारी को, युवा कहते हैं जानवर को। शिकारी जब शिकार करता है तो जानवर की मौत हो जाती है बेचारे की, और शिकारी को शिकार मिल जाता है, उसकी हुई मौत और उसको हुई खुशी। ऐसे ही दुनिया का हिसाब होने वाला है, सारी दुनिया मरने वाली है और तुमको नई दुनिया की बात कही मिलने वाली है। कहीं निकल से बोलनी पड़ती है, वो सही हिसाब नहीं बता पाती, बोलती है वो मच्छी में डालते हैं पानी में तो वो सांप खा जाता है मैडम को, उसके बदले मछली बस क्या है नारायण विश्व के मालिक बन गए एक बार, क्या सारे विश्व के मालिक बन गए? विश्व में देवात्माएं भी है और राक्षसी भी आत्माएं भी, सारी दुनिया के मालिक बन गए, तो सबसे ऊंच पद किसका हुआ? नारायणों के बीच में नौ नारायण है, एक संगम युगी और आठ सतयुगी नारायण। जो शास्त्रों में गायन पूजन है वो कौन से नारायण का? संगम युगी नारायण का है, वो नरसिंह नारायण बनते हैं और उनमें प्रवेश है कृष्ण की सोल, तो दो नारायणों का गायन है। इसलिए जो लक्ष्मी नारायण के चित्र बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, मंदिर बनते हैं, बिरला मंदिर बनते हैं, बीच में एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर दिखाते हैं और बाजू में विष्णु का मंदिर दिखाते हैं, क्या विष्णु का मंदिर दिखाया जाता है? वो है संगम युग की आज्ञा, नर से नारायण बनने वाले की आज्ञा। बाकी सात नारायण उनकी कभी मूर्तियाँ देगी, उनके कभी मंदिर देंगे? न मूर्तियाँ बनती हैं, न मंदिर बनते हैं, न उनकी पूजा होती है सात नारायण। बाबा अर्धनारी का मतलब क्या होता है? अर्धनारी का मतलब है कि ब्रह्मा बाबा बन गया नारी अम्मा, ऐसे की आत्मा बजाती है नारी का पार्ट। उन्होंने बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखते? तो ओम राधे मम्मा को सरस्वती के रूप में निमित्त बनाई दिया। तो वास्तव में ब्रह्मा बाबा का पार्ट नारी का है या पुरुष का है? नारी का पार्ट है, तो वो हो गई नारी। और पिता का पार्ट किसका हुआ? राम वाली आत्मा। जैसे कृष्ण की आत्मा आखिरी जन्म में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है त्रिमूर्ति में, ऐसे ही राम की आत्मा आखिरी जन्म में तीसरी मूर्ति शंकर का पार्ट बजाती है। तो शंकर में जो चंद्रमा प्रवेश है
वो माता के पार्ट की यादगार है। इसलिए जो गाया जाता है तमेव माता च पिता तमेव, संस्कृत में तमेव किसको कहा जाता है? तम, तम युवाम यूयम, तम कहते हैं तू माने एक, युवाम माने तुम दो, यूयम माने तुम सब। तो ना युवाम बोला ना यूयम बोला, क्या बोला? तमेव, तू ही मेरी माता है, माने तू एक है जो मेरी माता है और तू ही एक है जो मेरा पिता है। तो ब्रह्मा के अंदर जो पार्ट बजा है वो माँ का बजा है या पिता का बजा है? वर्षा तो नहीं मिला, बात पूरी होने दो। वर्षा तो नहीं मिला ब्रह्मा के द्वारा, बाप के द्वारा क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। ब्रह्मा के द्वारा जन्म तो नहीं मिला, जन्म देने वाला तो बाप होता है, मुरली में आता भी है ब्रह्मा का बाप कौन? कोई नहीं बता सकेगा, तुम बता सकते हो कौन है ब्रह्मा का बाप? प्रजापिता, क्या प्रजापिता है ब्रह्मा का रूप। इसलिए मुरली ने बोला ब्रह्मा द्वारा तुम्हारी पालना करते हैं, इन ब्राह्मणों को जन्म मिलता है ब्रह्मा द्वारा और प्रजापिता द्वारा तुमको वर्षा देता, तो दो अलग अलग हो गए ना, प्रजापिता अलग और ब्रह्मा, ब्रह्मा अलग। ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी बनता है, प्रजापिता, प्रजापिता कभी सूक्ष्म बतनवासी नहीं बनता। तो जो प्रजापिता है उसी में वही दोबारा जन्म लेकर के शंकर का पार्टनर बनता और उस शंकर में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, इसलिए माता का भी पार्ट हो जाती है। जैसे एडवांस पार्टी में जगत पिता भी है और जगदम्बा भी है, तो जगदम्बा आज से लेकर अंत तक एडवांस पार्टी में रहती है या गुप्त हो जाती है? गुप्त हो जाती है। फिर पालना कौन करता है? बिना अम्मा की कहीं पालना होगी क्या? ये छोटे छोटे बच्चे ढेर सारे जन्म लेते जा रहे हैं, इनकी पालना कौन करेगा? बच्चे पैदा होता जाए और अम्मा हो ना नहीं हो तो बाप तो भाग जाएगा। ये टीचर लेकर इन पालना कौन करेगा? तो माँ है ना, कौन है माँ अभी है? नहीं वो तो गई, वो तो है नहीं अभी। ब्रह्मा, ब्रह्मा की सोल ही जगदम्बा के रूप में माँ का पार्ट हो जाती है और शंकर के द्वारा जगत पिता का पार्ट चलता है और दोनों का पार्ट बजाने वाला है शिव। इसलिए कहते हैं वो एक ही रूप है, तम एव, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता। तू क्या बिंदी भी कहा जाता है? जरूर कोई साकार शरीरधारी है ना जिससे कहा जाता है तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। अभी की बात है, सर्व संबंध एक के साथ है, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव, सब प्रकार के संबंध तुम्हारे साथ है। तो कौन है एक जिसके साथ सर्व संबंध होते हैं? जरूर भगवान ने आकर के एक के द्वारा ये पार्ट बजाया है। और मुस्लिम में बोला है अनिश्चय बुद्धि अविनाश शक्ति, जिनको अनिश्चय होता है उनका पथ का विनाश हो जाता है। और ये बोला गया कि मतलब ब्रह्मा की सोच सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय में आती है, ब्रह्मा की सोच सबसे ज्यादा निश्चय और अनिश्चय में आती है, लेकिन फिर भी उनसे सत्युग उनको पहला फिर करता है। अगले जन्म में कि इस जन्म में? इस जन्म में कोई पद बनता है? तो पद यहाँ पढ़ाई यहाँ पढ़नी है, पद अगले जन्म में पाना है, पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यही पढ़ाई पढ़नी है और यही पद पाना है। तो यही हम निश्चय बुद्धि बनते हैं और यही हम मुक्त पद पाते हैं। जो अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं उनका पद नीचे हो जाता है। बाबा को नहीं कहना, बाप को नहीं कहना, उनका कोई पद नहीं बनेगा, सत्य को बनेगा।
या 20-30-40-40 50-50 साल के हैं भाई लोग, और दादी दादियाँ दीदी दादियाँ कितने साल की उनका पद बने गए हैं बाबा जानते सब हैं, वैसे डांटती हैं फटकारती हैं जिसे पढ़ती हैं, लेकिन क्या मालूम यहाँ आने से रोकती हैं गरमाती हैं, और फिर जब पूछो कि आपने बाप का परिचय नहीं दिया नहीं बता दी वो दिक्कत आपको समझ में आता है बोलते तो बताते चलो वो क्या करते हैं उनको छोड़ो हमारी अपनी समस्या है यदि धर्म की लड़की मार नहीं समझ में आया नहीं पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो पत्नी पति का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाती तो क्या करते बच्चों की पिटाई की रहती है ऐसे ही है गंगा का जो पार्ट है जगत पिता का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाती पिता तो है प्रकृति पति और जगदम्बा है प्रकृति तो प्रकृति और प्रकृति पति दो का झगड़ा होता है उन दो के झगड़े में दो पात्र के बीच में साबुत बचे साबुत बचे वो बच्चों का नुकसान होता है बच्चों को बेचारों को ये मान की स्थिति होती है तो बात कर जितने भी भूत प्रेत आत्माएं हैं उनका आवाहन किया जाता है क्या अवधिया लोग है ना गांव-गांव में जो भूत प्रेत आते हैं तो उनका आवाहन करते हैं गुरुवार को आना माता को बुलाएंगे तो जो आत्माएं मनुष्य आत्माएं होती है वो मान मर्तबा जानती है इसलिए वो बुलाने से आती है जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा उनको निमंत्रण दिया जाता है तब आती है या बिना बुलाई आती है निमंत्रण शिव बाबा बुलाया जाता है भी हम आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे आना ही होगा आना ही होगा तुम्हारे बुलाते हैं क्लास में भी बुलाते हैं और पहले से निमंत्रण भी दिया जाता है तो ब्रह्मा बाबा को निमंत्रण दिया जाता है निमंत्रण से वो आते हैं क्योंकि उन्हें मान मर्तबा चाहिए ये भी देहधारी है सबको मान मर्तबा चाहिए शिव बाबा को कोई मान मर्तबा नहीं चाहिए और कांटों के सैया में लेटे का मतलब ये हुआ कि ये दुनिया है कांटों का जंगल दुखदाई लोगों का जंगल वो दुखदाई लोगों के जंगल के बीच में राम वाली आत्मा पड़ी हुई है संक्षेत्र में सीढ़ी का चित्र है ना ये कौन ये जो नीचे दिखाया गया 40 वर्ष का संगम युग देखा है ये 40 वर्ष का संगम युग कौन से साल में पूरा हुआ अरे ये जहाँ लिखा है 40 वर्ष छिहत्तर में पूरा हुआ तो सन 76 में वो राम वाली आत्मा कांटों की सैया पर पड़ी हुई थी माना जिस दुनिया में थी उसको कोई पूछने वाला नहीं था कांटों का जंगल था जहाँ जाओ वहाँ कांटे ही कांटे कोई बात सुनने वाला नहीं तुलसी गरीब निवाज की कोई न पूछे बात क्या कलयुग में जब तुलसीदास आके जन्म लेते हैं और हिंदी में रामायण लिखते हैं हिंदी में राम कहानी सुनाते हैं तो सब उनको दूर 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 करते हैं कोई उनकी बात नहीं सुनता तो ऐसे ये कलयुग के अंत में शूटिंग होती है रिहर्सल होती है राम वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में चारों तरफ चक्कर काटती है और कोई उसकी बात नहीं सुनता वो दिखाया गया कांटों की सैया पे पड़ा हुआ है और सर के नीचे एक पुस्तक रखी हुई है उस पुस्तक का नाम है गीता
गीता कहो, 5-year plan कहो, क्या बुद्धि में वो गीता का ज्ञान भरा हुआ है, 5-year plan भरा हुआ है। वो गवर्नमेंट हर साल पांच वर्ष के बाद 5-year plan नया बना देती, वो 5-year plan कभी पूरा ही नहीं होता। और शिव बाबा 76 में एक बार आते हैं और एक ही बार में 5 वर्ष के अंदर 5-year plan पूरा हो जाता है। जो बैगर है कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है, वो बैगर 5 साल के बाद 82 के पूरे होते होते बैगर 2 क्या बन जाता है, प्रिंस बन जाता है। बैगर को दर दर भीख मांगनी पड़ती है, सहयोग दे दो, क्या सहयोग दो, तो वो दिखाए गए हैं वहां। कौन? 2 विदेशी, एक इस्लामी है एक क्रिश्चियन है, उसने सहयोग दे दिया, थोड़ा सा सहयोग दे दिया, तो लेकिन है कांटों की सैया पर। फिर रिजल्ट क्या होता है 5 साल के बाद, 5 साल पूरे हुए और फिर उस आत्मा को किसी के सामने हाथ फैलाने की दरकार, सहयोग की भीख मांगने की दरकार नहीं रहती। जो प्रिंस बन गया हो प्रैक्टिकल में, वो प्रिंस दर दर जाके भीख मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। जो आए सो उसके दरवाजे पर आए, उसके बाप के घर में आए। हाँ हम सो देव, हम सो देवता थे, सो ही हम सो पुजारी बन गए। मतलब ये सतयुग में हम देवता थे, हम आत्माएं, सतयुग त्रेता में हम क्या थे, राम कृष्ण जैसे देवताएं थे, और द्वापर में हम क्या बन गए, उन्हीं राम कृष्ण की पूजाएं करने लगे, राम कृष्ण के मंदिर बनाए और उनके पांव के नीचे बैठ करके उनकी पूजा करने लगे। तो हम ही पूज्य थे सत्य पुत्रेता में और हम ही पुजारी बन गए। जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें ब्रह्मा की साइड में जो स्वर्ग दिखाया है, स्वर्ग दिखाया है ना त्रिमूर्ति के चित्र में, जो ब्रह्मा की साइड में स्वर्ग दिखाया है, वहाँ 4 रानियाँ और 4 देवताएं खड़े, माने वो स्वर्ग तैयार हो गया ब्रह्मा द्वारा, नई दुनिया की स्थापना हो गई। तो संपूर्ण में तो कोई ऐसा भी होता है कि वहाँ सन्यासी हो, संपूर्ण दुनिया जो बनेगी वहाँ कोई सन्यासी रहेगा? वहाँ तो कोई सन्यासी अकेला विधवा या विदुर बन करके तो रहेगा नहीं। लेकिन यहाँ सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण यहाँ बेसिक में पुरुषार्थ करते थे, वो पुरुषार्थ करके जब बीज रूप स्टेज धारण कर लेते हैं, बिंदु रूप स्टेज धारण करते हैं, शिव बाबा को याद करते करते, तो वो वहाँ 4 दिखाए गए हैं। वो 4 ने एडवांस ज्ञान लिया है इसलिए 4 दिखाए गए, और वो जो अंदर अंदर दूसरा दरवाजा दिखाया गया है उसमें 3 खड़ी हुई है, 4th नहीं है। माने एडवांस की शुरुआत में 3 पूरा समझती है ज्ञान को और 4th ज्ञान को पूरा समझती नहीं है। 4th ने क्या गलती की? जो उसकी युगल नहीं दिखाई गई, उसकी सहयोगिनी शक्ति नहीं दिखाई गई, गलती ये की कि जो 4th था, भगवान ने जब आकर के पहली मूर्ति के द्वारा स्थापना की राम वाली आत्मा के द्वारा, तो जो शत्रुघ्न वाली मूर्ति थी उसने शत्रुता निभाई। क्या है इसका घर कैसे बन गया? ईर्ष्या पैदा हो गई, हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा। तो क्रिश्चियन में कौन सा घर बन गया? गिरजा घर बन गया। और उसकी युगल दिखाई नहीं गई। हाँ बहुत परिवार से निकली है,
पर्सनल बात है, बाद में पूछो ज्ञान ज्ञान के पॉइंट पे। वैजयंती माला, मेरे वैजयंती माला है एक तो आज और दूसरी राक्षस माला एक तो आज किसी पहले वो पानी नहीं है। रुद्राक्ष की माला जो है वो तीन प्रकार की है। एक अच्छे अच्छे रुद्राक्ष हैं, वो तो सर के ऊपर दिखाए गए हैं, आठ शंकर के सर के ऊपर दिखाए जाते हैं। दूसरी फर्स्ट क्लास माला है, वो गले में दिखाई जाती है। और जो 16,000 ढेर के ढेर मणके हैं, वो दोनों बाहों में दिखाई जाते हैं। तो जो शंकर का पार्ट चलता है उसमें है ये रुद्राक्ष की माला, और शंकर का पार्ट जब पूरा होता है माने राम वाली आत्मा अपने पुरुषार्थ में संपन्न बन जाती है, राम और कृष्ण की आत्मा संपन्न बनती है, तो विष्णु का रूप धारण करती है। ब्रह्मा तो क्या बन जाता है, विष्णु बन जाता है, तब विजयमाला होती है। विजयमाला जो है वो वैजयंती माला कही जाती है, जिन्होंने विजय प्राप्त की। काहे के ऊपर विजय प्राप्त की, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त की। रुद्रमाला ने विजय नहीं प्राप्त की अकेले, कब विजय प्राप्त की, जब रुद्रमाला के मणके विजयमाला के साथ ऐड हुए तब विजय प्राप्त की। पवित्रता से ही सारे काम होते हैं। रुद्रमाला के मणके रूपी जो आत्माएं हैं वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्र हैं या अपवित्र, राजाएं बन के रहे हैं, तो राजाएं हिस्ट्री में पतित काम करते रहे या पावन काम किया है? पतित बन करके रहे, ढेर सारी रानियां रखते रहे, और रानियों ने क्या किया, भारत की रानियों ने ये किया जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध है, एक जब कोई राजा ने विदेशी राजा ने आक्रमण किया तो उन्होंने जौहर कर दिया, आग जलाई और शरीर को देवान को सती कर दिया। तो पवित्रता की सुरक्षा के लिए किया या पवित्रता को बढ़ाने के लिए किया, पवित्रता की सुरक्षा के लिए किया। तो रानियों ने देखो क्या किया, और राजाओं ने, राजाओं ने इतना अपवित्रता का पालन किया कि आपस में लड़कर के खत्म हो गए। प्योरिटी नहीं होगी तो राजाओं में यूनिटी बनेगी नहीं, यूनिटी माने संगठन बन नहीं सकता। तो भारत के राजाओं की यूनिटी खलास हो गई, संगठन खत्म हुआ, और विदेशियों ने आक्रमण कर दिया, भारत परतंत्र हो गया। तो कौन है थमाने वाला, रुद्रमाला थमाने वाली है या विजयमाला थमाने वाली है? विजयमाला है थमाने वाली, और रुद्रमाला है गिरने वाली और गिराने वाली। ये खुद गिरता है, वो दूसरों को भी नीचे गिराता है। इसलिए दोनों मिलकर के जब एक हो जाएं, क्या रुद्रमाला जैसे कि लंगड़ों की माला, और विजयमाला के मणके जब तक एडवांस ज्ञान नहीं मिला है तब तक जैसे अंधों की माला। ये अंधे और लंगड़े की कहानी दिखाते हैं। क्या अंधे लंगड़े ने क्या किया, एक दूसरे से सहयोग ले लिया है। अंधे ने कहा मैं दिखाई नहीं देता, मैं विषय वैतरणी नदी कैसे पार करूं, और लंगड़े ने कहा मैं चल नहीं पाता हूं, लंगड़ा लंगड़ा के चलता हूं, थोड़ा चलता हूँ फिर गिर जाता हूँ, बार बार चलता हूँ बार बार गिर जाता हूँ, मेरे को टाइटल ही दे दिया है भगवान ने दुर्योधन दुशासन। तो ये लंगड़ों की माला है, नाम क्या है माला का है? लंगड़ों की माला का नाम क्या है, रुद्र माला है। तो लंगड़े ने कहा अंधे से तो हमको अपने ऊपर सवार कर लो, और अंधे ने क्या कहा हमको दिखाई नहीं पड़ता है तुम हमको रास्ता बताते जाना। क्या तो रास्ता उसने बताया लंगड़े ने, एडवांस ज्ञान लंगड़े ने दिया, और अंधे ने क्या दिया है, हाँ नहीं बेसिक ज्ञान नहीं दिया,
प्योरिटी की पावर दी, पवित्रता की पावर दी, तो फिर दोनों का काम बन गया, विषय बेहतरीन नदी पार हो गए। है ब्रह्मा सरस्वती ऊपर कहाँ बैठी है? नीचे ब्रह्मा सरस्वती बैठे, ऊपर ब्रह्मा बैठे। अच्छा, तीन लोग के चित्र में, तीन लोग के चित्र में उल्टा चित्र है। जब ये जड़ें यहाँ नीचे दिखाई गई हैं, अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो जड़ें वहाँ ऊपर हो गई, तो ब्रह्म सरस्वती दिखाई जाएंगे ना। इसका मतलब मैं अकेला नहीं आता हूँ क्या? मैं अकेला तो दिन भी, मेरे को कौन जानेगा? तो मैं तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। मूर्ति माना साकार, अमूर्त माना निराकार। तो शिव बाबा तो शिव तो निराकार है, तो इसलिए संसार में आने का मतलब बताने के लिए कि मैं अकेला नहीं आता हूँ, मैं तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। तो तीन मूर्तियाँ वो संसार में जब आता है तो यज्ञ के आदि में भी होती है, और तीन मूर्तियाँ अंत में भी संसार में प्रत्यक्ष होती हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तीसरी मूर्ति कब आएगी? तीसरी मूर्ति तभी आएगी जब हम गलतियां करना बंद कर दें। हैं? गलतियां करना बंद नहीं किया तो माया नाक रगड़ देगी। हैं? ठोकर खाएंगे फिर ठाकुर बन जाएंगे। उन आत्माओं के लिए कहा गया है जो ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में कृष्ण के साथ दुश्मनी करते थे। क्या कोई थी आत्माएं? अरे सतयुग का गायन है कंसी जरा सिंधी का कृष्ण का, यह संगम युग का गायन है। संगम युग में इस समय का गायन है, इस समय कंसी जरा सिंधी भी है और कृष्ण रामकृष्ण की आत्माएं भी, वो भी मौजूद है। वो भी यज्ञ के अंदर ही है बाबा, यज्ञ के अंदर। यज्ञ के अंदर की तो बात और क्या बाहर की बात है। द्वापर युग में जो भी लोग मतलब राधा कृष्ण को और सीता राम को पूछते थे, लक्ष्मी नारायण को पूछते थे, उनके साथ मतलब ताज और बाल दिखाए जाते थे, और जो कलयुग में गणेश को और हनुमान को पूछते उनकी एक चोटी और टकले दिखाए जाते हैं। उन्होंने जिम्मेवारी का ताज धारण ही नहीं किया क्या? और जानवरों जैसी सेवा की, जानवर क्या करता है? जानवर को सींग होंगे तो सींग मारेगा, दूसरों को दुख देगा। बाबा तीसरे में बताया है षष्ठी चक्र में, सीढ़ी के चक्र में ब्रह्मा बाबा नहीं है सबसे नीचे, और एडवांस के कोर्स में बताया है ना कि नीचे है बाबा, ब्रह्मा बाबा नीचे है। बेसिक में नीचे नहीं बताया, क्योंकि सीढ़ी के तो में नीचे नहीं बैठे। बेसिक में नीचे बैठा हुआ नहीं दिखाया गया है? वो तुमने नया वाला चित्र देखा, ब्रह्मा बाबा के समय का बना हुआ चित्र यही है जो रखा हुआ है। जो ब्रह्मा बाबा ने चित्र बनवाया था साक्षात्कार से, वो यही चित्र है। हाँ, उसके नीचे लिखा हुआ है 40 वर्ष संगम युग, और मुरली में लिखा हुआ है सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। ये सफेद कपड़े पहने हुए जो भी मूर्तियां रखी हैं जिनके चेहरे दिखाए गए हैं वो सब विनाश होने वाले हैं, इस दुनिया में उनको कोई पद नहीं मिलने वाला। तो 40 वर्ष पूरे हुए और बिना से काले बिपी दूध दी बिना खेती हो गए।
सब कोई हाथ खेल होकर के मर रहे हैं, कोई ब्रेन ट्यूमर से मर रहे हैं, कोई ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं। तो खरी खरी उनको थोड़े ही सुनाते हैं, तो हम आपस में बात करते हैं। हाँ बीसीडी तो बीसीडी पे लिखा हुआ होता है सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए, सिर्फ टीवी केस के लिए। तो जो जैसा मरीज है उसके लिए वो दवाई है, दूसरे तरह का मरीज दूसरे तरह की दवाई यूज करेगा तो मरेगा ना, हालत खराब हो जाएगी। हाँ तो भारत की यही कहानी 84 जन्मों की, विदेशियों की कहानी थोड़े ही है। ऊपर भी विदेशी स्वदेशी और नीचे भी स्वदेशी, भारतवासी ही दिखाए गए। और आत्मा आयु से भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो प्रवेश करेंगे नाक रगड़ने के लिए। जो दूसरी आत्मा जो तो बोले की बेसिक ज्ञान क्या बताया, बोले की एक आत्मा में प्रवेश करेंगी तो फिर उसकी फिर हालत खराब नहीं हो जाएगी। तो अच्छा पुरुषार्थ करो ना, हालत खराब नहीं होगी। क्या सब होंगे जिनके अंदर खराब सोल प्रवेश करेंगे, सबके अंदर थोड़े ही करेंगे। जो अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे उनके अंदर ऐसी सोल प्रवेश करेंगे। हाँ बढ़िया पुरुषार्थ करो, अमृत वेले उठो, रोज घंटे दो घंटे दूसरी आत्मा को सुनाओ, है कुछ सेवा करो। और कहाँ वो भूत प्रेत आत्माएं जो अकाले मौत में शरीर छोड़ रही हैं और आगे चल के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, पृथ्वी हिलेगी, तो इतनी बड़ी इमारतें बड़ी बड़ी इमारतें गिरेंगी, ढेर सारे दब के तुरंत मर जाएंगे, तो इनको सबको सूक्ष्म शरीर मिलेगा ना। अकाले मौत होने वालों को कौन सा शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं कहाँ जाएंगी, उनकी गति सदगति कैसे होगी, वो ज्ञान कैसे सुनेंगी। कुमार का दादी ने, जगदीश भाई ने, उनको दादा क्या नाम ये चंद्रमणि दादी ने आमने सामने से एडवांस ज्ञान सुना ही नहीं और शरीर छोड़ गई, तो ज्ञान सुनेंगी या नहीं सुनेंगी, सत्युग में आवेंगी या नहीं आवेंगी, 21 जन्मों में से कुछ जन्मों का वर्षा लेंगी या नहीं लेंगी, लेंगी तो कब लेंगी, कैसे लेंगी, किसी में प्रवेश करेंगी, पढ़ाई पढ़ेंगी तो किस में प्रवेश करें, एडवांस वालों में प्रवेश करेंगी। उन एडवांस वालों में प्रवेश करेंगी जो उनकी कैटेगरी के होंगे। क्या एडवांस में भी 9-10 कैटेगरी है, 9 कुरियों के ब्राह्मण होते हैं, बेसिक में भी 9 कुरी के ब्राह्मण, तो एडवांस में भी 9 कुरी के ब्राह्मण। जब कुछ कुछ कोई कोई सतर्क रहते हैं तो उनको याद थोड़ा याद भी रहता है, कोई कोई को बिल्कुल आकुपाई कर लेती है, जैसे गुलजार दादी को कुछ नहीं याद रहता। पूरी अस्थियाँ उड़ गई, कहाँ जलाया गया था, कहाँ जलाया गया, ब्रह्मा बाबा को तो वहीं आंगन में जला दिया, कुमारका दादी को किस स्थान पे जलाया गया, डायमंड हाल के पीछे,
सामने हाँ तो तूफान उफान आया होगा, उड़ गए, उड़ गया होगा राख, क्या बड़ी बात। हाँ आ गया, और तो मूर्ति के चित्र में चार किताबें दिखाई, कहाँ चार किताबें दिखाई है, चलो हाँ बड़ी बड़ी अम्मा गुप्त थी या प्रत्यक्ष थी, प्रत्यक्ष थी, फिर गुप्त हुई, फिर कब प्रत्यक्ष हुई, शतन प्रत्यक्ष हो गई वही नाम रूप से, हाँ चंद्रमा के रूप, वो तो ज्ञान से समझने की बात हुई ना, ऐसे ही है, जो नई दुनिया आएगी उसमें कौन से वंश की आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी, सूर्यवंशी प्रत्यक्ष होंगे, जो दूसरे दूसरे वंश के होंगे वो झुकेंगे ही नहीं, तो प्रत्यक्ष कैसे होंगे, विजय माला की चंद्रवंशी आत्माओं ने अपने को सूर्यवंशी कृष्ण के सामने झुका दिया, तो वो उनके साथ प्रत्यक्ष होती है लक्ष्मी, लक्ष्मी के रूप में। एक राख है, वहाँ 3 किलोमीटर जमीन फटी है, राख तहसील में, राख में, हाँ राख तहसील है, वहाँ 3 किलोमीटर जमीन फटी है, क्या विनाश के संकेत भी क्या है, ये तो होता ही आया है, कहीं कहीं जमीन फट जाती है, कहीं कहीं ज्वालामुखी फट पड़ते हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। दस हजार आदमी चलो ये तो सब होता ही रहता है, ये क्या बात है। हाँ छोटी कन्या है, हम योग नहीं कर रही घर उसके लिए, छोटी कन्या योग नहीं कर रही, छोटी कन्या, छोटा कंदुआ, ये तो सब महात्मा होते ही हैं, है वो तो वैसे ही पवित्र बुद्धि है उनका, ये योग लगाना क्या, उन्होंने बाबा को एक बार देख लिया, उन्हें छप जाता है बुद्धि में, बाबा याद रहता है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि उन्हें याद आता है कि नहीं आता है, क्या हाथ पांव बांध करके बैठे तभी याद आएगा, गुस्सा होता है सभी को आ रहा है अभी। बाबा हम लोग किसी ना अमृत वेले में नींद नहीं खुलती, बोल के बाबा से सोते हैं, और फिर उसके बाद नींद खुलती है, बाबा 3 बजे उठा देते हैं, 3 बजे उठा देते और उसके बाद फिर सो जाते हैं। बाबा तो ओबीडियंट सर्वेंट बन के तुम्हारा काम करता है, और तुम फिर दोबारा सो जाते हो, बाबा क्या करे। ये तो उनके बच्चा हैं, बच्चे तो छोटे ही दिखाई देंगे, बच्चे बाद में पैदा होते हैं कि पहले, जो नीचे जो छोटे छोटे दिखाए गए वो बच्चा हैं कि बाप हैं, बच्चा हैं तो बच्चा तो नीचे ही दिखाई देंगे, हैं हाँ कौन से चित्र में, वृक्ष के चित्र में चार चार, वो तो भारतवासियों का चित्र है, सीढ़ी का चित्र, और ये सारी दुनिया के लिए है, तो सारी दुनिया की आबादी ज्यादा होती है कि भारतवासियों की आबादी ज्यादा होती है,
सारी दुनिया की आबादी ज्यादा है इसलिए वहाँ ज्यादा बैठे हुए दिखाई गए। और मनोबल माने मन का बल। तो जब रोई थी तब अंदर से खुशी थी या दुख दुख था, दुख भरा हुआ था? आंसू भी दो तरह के होते हैं, एक है खुशी के आंसू, आहा बाबा ने हमको कितना प्यार किया, इतना प्यार करेगा कौन, अंदर से खुशी के आंसू आ जाते हैं। और एक होते हैं दुख के आंसू, तो अंदर दुख भरा हुआ था या अंदर से खुशी के गुब्बारे छूट रहे थे? फिर हाँ क्या कहती है? क्या चाहती है? नहीं आप तो माँ हैं, आप उसके दिल की बात ज्यादा जानते होंगे, वो क्या चाहती है? ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या चाहती है? वो चाहती क्या है? आप तो उसका दिल ले लिया है, तो क्या चाहती है? जिंदगी भर पवित्र रहना चाहती है कि शादी करना चाहती है? फिर आपको पैसे की दरकार होगी इसलिए सर्विस करवा रहे हैं? पढ़ाई किस लिए पढ़ाई थी? आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे? 8 साल से आप ज्ञान में चल रहे और अभी भी पढ़ा रहे, नौकरी करा रहे। बाबा ने तो मना किया है कन्या को नौकरी नहीं करानी, पढ़ाई भी नहीं करानी और दागली सर। चलो ना समझती हो, लेकिन वो शादी के लिए भी तो नहीं कहती आपसे। फिर चलो अभी आओ, अभी 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 तक ठहराया है तो प्रत्यक्षता होने तक ठहराओ, क्या पता सारी दुनिया की आंखें खुलेंगी, उसकी भी आंखें खुल जाए। और कैसे क्या? जब सारी जिज्ञासु टूटेंगे, बड़े बड़े लखापति करोड़पति, तो अपने आप नाक लटकावेंगे। अभी तो उनके पास मल्टी मिलियनेयर उनके चेले चपाते हैं ना, तो किसी की नहीं सुनते हमारे अहंकार के। अरे उनकी बात छोड़ो, तुम्हारे जो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर हैं, गद्दी नसीन देहधारी धर्मगुरु, वो तुम्हारी बात सुनते हैं? वो कैसे मानेंगे? हैं हाँ, जैसे वो मानेंगे वैसे वो भी मानेंगे। हाँ तो भी चलती है, बोल भी सुन रही है, पढ़ने पढ़ने को भी कहती है और नौकरी करने को कहती है, क्या 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 किया? शादी करने को तो नहीं कहती, बस शादी करने के लिए तो नहीं कहती। तो आप घर में रहती हैं, बाहर तो भागती नहीं है, तो आपको तो खुश रहना चाहिए कि हमारे घर में अच्छी कन्याएं हैं। माँ बाबा ने क्या यही बोलती रहती है कि शादी कर या तो इस पार जाओ या डायरेक्ट उस पार जाओ या डायरेक्ट इस पार जाओ। बाबा ने कोई नहीं हमारा दिल रहेगा, ये नौकरी नहीं करेंगे हम, पढ़ेंगे भी हम। अब जब तक आपकी अंदर की दुनिया में है, बाहर नहीं जा रही है, तब तक तो अच्छी है ना। बाहर की दुनिया में जाएंगे तब उनको मना करना।
बैठे दिखा रहे और चंद्र भी बैठे दिखा रहे और जो मिश्री जी है वो खड़े के दिखा रहे। हाँ वो अंत तक खड़े होके पुरुषार्थ करते हैं, बैठते नहीं, थकते नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी थक जाते हैं और शंकर बाबा भी थक जाते हैं, अरे ससुर विनाश होता ही नहीं। बाबा कहते हैं पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा, पहले क्या होगी, पहले स्थापना होगी। पवित्रता से होती है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। तो किसका काम पहले होगा, विष्णु का काम पहले होगा ना, तो विष्णु अंत तक खड़ा रहता है प्योरिटी की स्टेज में, इसलिए वो खड़ा हुआ है, बाकी ये दो बैठे हुए हैं, थक जाते हैं। पुरुष तन है ना, बाबा ने उनका नाम रख दिया दुर्योधन दुशासन, तो कहते हैं हम तो हाँ ही ऐसे बैठो। और अरे माताओं बोलने नहीं देगा, माता है अपने बस पर्सनल बातें करती है। क्या होता है उनके शरीर में है ना, बोलते हैं अगर भक्ति करने जाएंगे ना तो जो कर्मी से क्या क्रिया करी थी मूर्ति में, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे करते रहते हैं, कैसे बताओ वहाँ हम तो ठीक है जब उनकी इच्छा हो तब भेजना, जबरदस्ती क्यों भेज रही। तो आपको बिघन तो नहीं डालते, आपको बिघन है तो आपको क्या मुसीबत है, आप काहे के लिए उनके पीछे पड़े। भक्ति करते हैं कुछ, भक्ति करने दे, उनकी भक्ति पूरी होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। मुरली पढ़ते हैं, भक्ति भक्ति का कोई काम नहीं करते। अच्छा माने शास्त्र पढ़ते हैं, अपनी मुरली पढ़ते हैं, समझते हैं उसको, समझते हैं, बताते हैं, जैसे हम बताएंगे तो बोलेंगे नहीं ऐसे ऐसी बात है तुम नहीं समझते। ओहो वो तो ठीक है, ज्ञानी वो जो बाप को जाने, या ज्ञानी वो जो बाप को जानता ही नहीं वो ज्ञानी। वो बाप को जानते हैं, भगवान कौन है जानते हैं, अरे बताते हैं जानते हैं, भगवान कौन है वो जानते हैं। बताया है तो ये तो मतलब शिव बाबा भगवान ही जानते हैं, शिव बाबा भगवान ही जानते हैं, शिव बाबा वो बिंदु को बाबा समझते हैं। शिव बाबा नाम रूप से न्यारा है या नाम रूप वाला है, हैं? नाम रूप वाला है, तो नाम रूप वाले शिव बाबा को जानते हैं, जानते नहीं तो ज्ञानी है या अज्ञानी है, हैं? इसलिए उनको भक्ति करने दो, रोको मत किसी बात में, जो करते हैं सो करो, भक्ति पूरी होगी तो फिर ज्ञान भी मिलेगा भगवान भी मिलेगा। हाँ मुस्लिम बाबा ने कहा है कन्या को पढ़ने के लिए ना ही किया, कन्या को पढ़ाई करने के लिए मना किया है, गौरी पढ़ाई पढ़ने के लिए मना किया भाइयों को भी। भाई तो लोग नहीं पढ़ाओगे तो भी वो दुर्योधन तो शासन वृत्ति में रहेंगे, पढ़ाओगे तो भी दुर्योधन तो शासन वृत्ति में रहेंगे, उनकी तो बात ही नहीं। और भाइयों को कोई सरेंडर थोड़ा ही होना है, कन्याओं को तो बाहर की दुनिया में रहेंगी तो फिर तो इसलिए पढ़ाते हैं कि कन्याओं को तो कमाई करनी नहीं है, धंधा धोरी करनी नहीं है, कन्याओं के लिए तो बाप आया हुआ है, कंडुओं को तो सरेंडर होने की दरकार ही नहीं है। आपसे फोन कर ली यही बात, उनको जब सरेंडर नहीं होंगे तो अपने पेट की कमाई करेंगे कि नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, है? पेट की कमाई करने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़ेगी तो पढ़ो, कन्याओं को तो परवरिश बाबा कर लेगा, है? मन को कंट्रोल करना है कि मन को खुला छोड़ देना है, मन को कंट्रोल करने के लिए ही तो ज्ञान है ये,
क्या निकली? ठीक है तो अभी ठीक हो? चलो हाँ हाँ, तो अब एकदम सब कुछ अच्छा हो जाए तो स्वर्ग ना हो जाए, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। सर्वजीत के नाम से जो पाठ कर रहा है, सर्वजीत, सर्वजीत माना सर्वजीत मुरली में आज सुना था सर्वजीत, मतलब सर्वजीत के नाम का जो पाठ कर रहा है। सर्वजीत तो सब कुछ जीते, सारी दुनिया को जीतने वाला होगा तो क्या होगा, वे तो विश्व पिता ही कहा जाएगा। सारा जगत ही जीत लिया। हाँ आपने बोले हो कि कृष्ण का जन्म दिल्ली में होएगा, और कोई किसी और टीवी में बताते हैं कि वृंदावन में हुए थे। हाँ हुए थे, हाँ? वृंद वृंद का अर्थ होता है समूह, वृंद का अर्थ क्या होता है समूह, और वन माने जंगल, ऐसा जंगल जहाँ देवताएं आकर के इकट्ठे हुए, उस वृंदावन में कृष्ण का जन्म हुआ। तो वास्तव में तो ये देव आत्माएं भी पुरुषार्थ कर रही है, जो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे उन सब का जो युद्ध होगा वो कहाँ होगा, बड़े से बड़ा युद्ध दुनिया का कुरुक्षेत्र कहाँ है, दिल्ली के पास, तो दिल्ली में दुनिया का सेंट्रल स्थान है, दिल्ली का सुधार होगा तो सारी दुनिया का सुधार होगा, दिल्ली का परिवर्तन होगा सारी दुनिया भारत का परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं दिल्ली के ऊपर सेवा का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्या सबसे सर्विस कहाँ करनी है ज्यादा, कौन से शहर में? दिल्ली में सबसे ज्यादा सेवा करनी, क्यों? क्योंकि वहाँ स्थापना के भी नगाड़े बजेंगे जोर से और विनाश के भी नगाड़े बजेंगे। दिल्ली परिस्थान, दिल्ली दिल्ली कब्रिस्तान। है गीता मंदिर, वो तो उन्होंने जड़ यादगार मनाई है। चैतन्य कहाँ है गीता है? चैतन्य गीता कहाँ है? हाँ कैसे सफेद गौरव वालों को क्यों सुन देंगे? अंत में जो अपने पास बुलाएंगे वो एक ज्ञानी भाई। 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बही थी, तो जो बचने थे वो बच गए, उनके लिए क्या कहा गया कि एक ही ट्रेन चली थी उनके लिए, उस एक ट्रेन में जो पहली ट्रेन में चढ़ गए सो चढ़ गए, बाद में सब जो ट्रेनें गई सो सब कटी मरी, लाशें ही लाशें भरी पड़ी। तो एक ही जगह से चली थी वो ट्रेनें या चारों तरफ से हिंदुस्तान से आई थी? हैं एक जगह से चली थी, सर दिल्ली से ही सारी ट्रेनें चली थी, दक्षिण भारत से नहीं गई थी? हैं गई थी, ऐसे ही होगा।